हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग गुलबर्गा सिटी में रेमडेसिविर मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने ट्रैप लगाया और 3 लोगों को अरेस्ट किया। इनके नाम है महंतेश, साजिद एंड पंचशिला। महंतेश और साजिद नवजीवन ब्लड बैंक में काम करते हैं, जबकि पंचशिला जो है वो मारुति हॉस्पिटल और वात्सल्य हॉस्पिटल में काम करती थी। इनका काम करने का तरीका ये था कि हॉस्पिटल में राउंड पे जाते थे महंतेश और साजिद, और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई करते थे जिनसे उन्हें रेमडेसिविर मेडिसिन मिल सकती है। सपोज़ अगर किसी का कोई कोविड पेशेंट की अगर डेथ हो गई हो तो समहाउ वो रेमडेसिविर उनसे लेकर हॉस्पिटल के बाहर ले आते थे और उसके बाद दूसरे लोगों को 22-25,000 रुपीज़ में सेल करते। अगर हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो हम जरूर। We got the information that some people are again black marketing the remdesivir medicines. We laid the trap and we caught 3 people. The name are Mahantesh, Sajid and Panchchila. Mahantesh and Sajid are working in Nozivan blood bank, whereas Panchchila, she was working in Maruti hospital as well as Vatsalya hospital. So what they were doing was that they were taking these remdesivir from the patients itself. Suppose if any COVID patient died, then they were somehow getting it outside of the hospital and then selling it to the other people for a cost of around 22-25,000 rupees.